दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को बेहतरीन बल्लेबाज और कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, नीदरलैंड के खिलाफ मैच से पहले कप्तान रोहित शर्मा ने बदल डाली पूरी की पूरी टीम। जी हां दोस्तों, वनडे वर्ल्ड कप के अंदर भारतीय टीम अपना अंतिम ग्रुप स्टेज का मैच नीदरलैंड के खिलाफ खेलने वाली है, जिसके लिए दोनों टीमें पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन इसी बीच कप्तान रोहित शर्मा ने लगातार जीत के बावजूद टीम के अंदर 5 ऐसे बड़े बदलाव किए जिनको देखकर आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो आखिरकार नीदरलैंड के खिलाफ महामुकाबले से पहले कप्तान रोहित शर्मा ने टीम के अंदर कौन से बड़े बदलाव किए, ये तो हम आपको बताएंगे ही, साथ ही साथ पूरी प्लेइंग 11 के बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन महान बल्लेबाज और कप्तान है, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, वनडे वर्ल्ड कप काफी रोमांचक अंदाज से आगे बढ़ रहा है, जहां पर भारतीय टीम सेमीफाइनल में जगह बना चुकी है। इस दौरान भारतीय टीम अपना अंतिम मैच खेलने के लिए तैयार है। आपको बता दें, भारतीय टीम ग्रुप स्टेज का अपना अंतिम मैच नीदरलैंड के खिलाफ 12 नवंबर को खेलने वाली है, जो कि बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगा, जिसके लिए दोनों टीमें पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन इसी बीच कप्तान रोहित शर्मा ने जीत के बावजूद टीम के अंदर 4 बड़े बदलाव कर भारतीय टीम का ऐलान कर दिया, जिसमें रोहित शर्मा ने पारी की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले अपने आप को शामिल किया, जो पिछले मैच में तूफानी 40 रनों का योगदान देकर आए थे। हालांकि रोहित शर्मा अर्धशतक या शतक नहीं लगा पा रहे हैं, लेकिन अपनी तूफानी पारी के दम पर भारत को मजबूत शुरुआत दिला रहे हैं। और ऐसे में एक बार फिर से कप्तान रोहित शर्मा इसी तरीके से बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिखाई देने वाले हैं। इसके अलावा कप्तान रोहित शर्मा ने दूसरे सलामी बल्लेबाज के रूप में शुभमन गिल को बाहर का रास्ता दिखा दिया। शुभमन गिल इस समय बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं और पिछले मैच में भी 23 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे। ऐसे में अब इस मैच के लिए ईशान किशन को टीम में शामिल किया गया, जो रोहित शर्मा के साथ बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन को बनाकर भारत को मजबूती दिलाने के इरादे से नीदरलैंड के खिलाफ मैदान पर उतरते हुए दिखाई देने वाले हैं। इसके अलावा कप्तान रोहित शर्मा ने तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए विराट कोहली को शामिल किया, जो भारतीय टीम के लिए पिछले मैच में तूफानी पारी खेल कर आए थे और इस दौरान उन्होंने 101 रनों का योगदान दिया था। एक बार फिर से उनसे इसी तरीके के तूफानी शतक की उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा कप्तान रोहित शर्मा ने चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए श्रेयस अय्यर को शामिल किया, जो कि पिछले मैच में 77 रनों का योगदान देकर आए थे। हालांकि पिछले 2 मैचों में अपने फॉर्म में लौट चुके हैं, लेकिन इसे अब नीदरलैंड के खिलाफ होने वाले मैच में शतक की उम्मीद की जा रही है। ऐसे में भारतीय टीम का मध्य क्रम और भी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा है। तो वहीं कप्तान रोहित शर्मा ने 5वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए केएल राहुल को शामिल किया, जो पिछले मैच में 21 रन बनाकर आउट हुए थे। और ऐसे में अब इस मैच में उनसे पहले की तरह काफी ज्यादा बेहतरीन बल्लेबाजी की उम्मीद की जा रही है। तो वहीं कप्तान रोहित शर्मा ने नंबर 6 पर बल्लेबाजी के लिए सूर्य कुमार यादव को शामिल किया, जो इस वर्ल्ड कप में ज्यादा मैच नहीं खेले हैं। हालांकि पिछले मैच में उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी नहीं की, लेकिन उनके इम्पैक्ट के लिए भारतीय टीम काफी ज्यादा उम्मीद लगाए बैठी है। और ऐसे में कप्तान रोहित शर्मा ने सूर्य कुमार यादव से अंतिम ओवर में तूफानी बल्लेबाजी करने के लिए शामिल किया, जो अपनी तूफानी बल्लेबाजी से किसी को भी परेशान कर सकते हैं। इसके अलावा कप्तान रोहित शर्मा ने ऑलराउंडर के रूप में रविंद्र जडेजा को शामिल किया, जो पिछले मैच में 5 विकेट लेने के साथ तूफानी पारी खेल कर आए थे। और ऐसे में एक बार फिर से इनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। इसके अलावा कप्तान रोहित शर्मा ने स्पिन गेंदबाज के तौर पर कुलदीप यादव को बाहर का रास्ता दिखाते हुए रविचंद्रन अश्विन को शामिल किया, जो बेहतरीन बल्लेबाजी के साथ अच्छी गेंदबाजी भी करते दिखाई दे सकते हैं। वहीं कप्तान रोहित शर्मा ने तेज गेंदबाज के रूप में सबसे पहले शार्दुल ठाकुर को शामिल किया, जो भारतीय टीम के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी के साथ खतरनाक गेंदबाजी करते दिखाई देंगे। और ऐसे में जसप्रीत बुमराह को आराम देने के साथ शार्दुल ठाकुर को टीम में शामिल किया गया। इसके अलावा दूसरे तेज गेंदबाज के तौर पर शमी को आराम दिया गया है, जो पिछले मैच में 2 विकेट लेकर आए थे। और ऐसे में अब उनकी जगह प्रसिद्ध कृष्णा को शामिल किया गया, जो हार्दिक पांड्या की रिप्लेसमेंट के रूप में शामिल हुए हैं। और ऐसे में शमी और जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया। इसके अलावा अंतिम गेंदबाज के तौर पर मोहम्मद सिराज को शामिल किया गया है, जो पिछले मैच में 1 विकेट लेकर आए थे। और ऐसे में एक बार फिर से ऐसे ही प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। तो वहीं कप्तान रोहित शर्मा ने इन 11 खिलाड़ियों के साथ नीदरलैंड के खिलाफ होने वाले मैच में जीतने के लिए मैदान पर उतरने का फैसला किया। तो दोस्तों, नीदरलैंड के खिलाफ होने वाले मैच के लिए भारतीय टीम की 11 खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतर सकती है, कॉमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो अच्छे हो तो इसे लाइक जरूर करें।